भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर हैं। कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ सिंधिया की मुलाकात हुई। इंदौर में उनके स्वागत के लिए सिंधिया समर्थकों ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं। शहर में जगह जगह होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। इंदौर दौरे के दौरान सिंधिया बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं और करेंगे, लेकिन सिंधिया समर्थक एक नेता ने अपने होर्डिंग में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को जगह नहीं दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर यात्रा पर समर्थकों के बीच उत्साह के साथ राजनीतिक अदावत के दर्शन हो रहे हैं। कभी दो नंबर जैसे बीजेपी के मजबूत गढ़ में कांग्रेस को ऑक्सीजन देने वाले नेता मोहन सेंगर अब सिंधिया के साथ बीजेपी में हैं। तो सिंधिया के दौरे से पहले उनके समर्थक मोहन सेंगर ने भी विज्ञापन दिया है, लेकिन उनका विज्ञापन बीजेपी के नेताओं को खटक रहा है। इस विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और वजनदार विधायक रमेश मेंदोला को जगह नहीं दी गई। ये विज्ञापन राजनीतिक गलियारों में चर्चा बटोर रहा है, खास तौर पर जब खुद सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय के घर पर गए। इस विज्ञापन में बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को तवज्जो दी गई। भंवर सिंह शेखावत वही नेता है जिन्होंने बीते दिनों कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर यह आरोप लगा दिया था कि वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मच गई। अब उनके बयान से कई तरह के सवाल भी उठे, लेकिन सिंधिया समर्थक नेता के पोस्टर से कैलाश विजयवर्गीय का गायब होना भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को खटक रहा है और एक बार फिर से बीजेपी में सिंधिया समर्थक वर्सेस बीजेपी के पुराने नेताओं के बीच की तकरार देखने को मिल रही है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।